हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मॉम्स किचन। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं पूजा करूंगी उसका। तो उतना तो मेरे को नहीं आता कि उतना विधि विधान तो मेरे को नहीं आता है कैसे पूजा करते हैं कैसे नहीं, बट जितना आता है उतना ही करूँगी शेयर। तो चलिए देखते हैं कैसे पूजा करती हूँ मैं। तो बस एक थाली ली हूँ और सारा थाली में ये सारा सामान निकालेंगे पूजा का जितना भी लाई हूँ मैं मार्केट से। तो यहाँ पर रख दी माला और आसन दुर्गा जी का, और ये है चुंदरी, और ये इधर रख रही हूँ हवन सामग्री का भी लाई थी थोड़ी सामान, तो इसको मैं डाली साइड में। और ये है तेल दीप जलाने के लिए, और ये कपूर है, ये रोली है, और ये नारियल का डाब है, ये थोड़ी सी अगरबत्तियां है, और ये किताब बत्ती, ये बादाम इलायची लौंग जो होता है ना वही सब, और ये दीप ली हूँ। यहाँ पर मिश्री है, और ये जौ है, गेहूँ भी मैं रखी हूँ तो वो तो अलग से था रखा हुआ क्योंकि वो था ही तो इसमें इसको नहीं की थी मिक्स, अलग से रखा था तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाई, बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मूली भी रख ली थी और थोड़े से प्रसाद, और ये आम का पल्लव कलश के लिए, और ये थोड़ी सी फूल है और पान की पत्ती पत्ते, तो मैं और डाल देती फूल तोड़ करके। तो एक थाली में मैं मिट्टी को रख ली हूँ अच्छे से टैप टैप करके, इसी में बैठाएंगे कलश। तो यहाँ पर गेहूं है और जौ है जिसको मैं धो करके रखी हूँ, और एक ये लोटा में रोली को बांध ली हूँ, और यहाँ पर पान के पत्ते हैं। तो बस ये मिट्टी वाला थाली में डाल देंगे गेहूं और जौ को, मतलब छीर देंगे, इसको हम लोग जंत्री बोलते हैं इसको। और यहाँ पर पैसे सुपारी पान ये सबको डाल देंगे जल के अंदर। तो यहाँ पर डाल दिया है नारियल का ये, और यहाँ पर लगा रहा है टिक्का लगा रहा है लोटा में, और यहाँ पर दीप जला दिया है और अगरबत्तियाँ भी। तो पहले ये आम का पल्लव डालना भूल गया था तो फिर बाद में डाला था, तो बस ये कर लिया था पूजा। इसके बाद मैं यहाँ पर दुर्गा जी का आसन लगाई थी, चौकी चौकी डाल करके आसन डाल करके इसके बाद दुर्गा जी को बैठाई थी फोटो। तो बस इसी तरह से लगाई थी दुर्गा जी का चौकी, और साइड में है हमारा कलश। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पर प्रसादी भी चढ़ा दी थी दुर्गा जी को और फूल भी, और यहाँ पर साइड में रखी हूँ आरती के लिए पान के पत्ते पर कपूर डाल करके और दीप। तो मैं यहाँ पर लगाई हूँ घी का दीपक, तो अब मैं पूजा करूंगी। तो उतना मैं सूट नहीं कर पाई, उतना तो संभव नहीं था कि पूजा करते हुए भी करूं, तो बस हल्का फुल्का ही की हूं और आप लोगों के साथ शेयर की हूं। तो यहाँ पर करूंगी पूजा स्टार्ट पहला अध्याय से। तो बस यही थी हमारी छोटी सी पूजा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।